यार अम्मी, फरीदे आंटी, मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है, सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। मालूम है, आज तुम्हारे बाबा का फोन आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हयात को नौकरी मिली या नहीं, या फिर बहाने बना रही है। अगर इस बार उसने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये भी पूछ रहे थे, कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह कितनी है और कंपनी कहाँ पर है और इसका क्या काम है। जी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात, जो पूछना चाहती हैं पूछें मुझसे। आखिर तुम वहाँ करती क्या हो? मैं हूँ बॉस की असिस्टेंट की असिस्टेंट। झूठ नहीं, सच सच बताओ मुझे लड़की, असिस्टेंट की असिस्टेंट, ये कौन सी नौकरी है? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ अम्मी, सैलरी के साथ और भी बेनिफिट्स हैं। इंश्योरेंस 30,000 तनख्वाह, मेडिकल और प्रोविडेंट फंड भी है और बहुत से बेनिफिट्स हैं। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि आखिर किस सेक्टर की नौकरी है ये? टेक्सटाइल सेक्टर की जॉब है और उनकी जो कंपनी है वो कपड़े डिजाइन करती है। नई कंपनी है क्या कोई? जॉब सिक्योरिटी बताओ। इस साल ये कंपनी 40 साल मुकम्मल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 40 साल मुकम्मल होने की पार्टी होगी। सही कहा तुमने। इस साल मुनाफा कितना है? यानी मुनाफे में कोई इजाफा भी हुआ या नहीं? मेरा मतलब है कि इनका काम क्या है और इनका कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आखिर ये करते क्या है? ऐसा तो नहीं कि आज खुली और कल बंद हो जाए। हंस क्यों रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूँ आंटी, मैं वहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए गई हूँ, उस कंपनी को खरीदने के लिए नहीं। हाय सदके मैं, मेरी बच्ची कितनी मासूम है तू, और खुदा ना करे अगर ये कंपनी बंद हो गई तो क्या करेगी? बाबा के साथ खेतों में काम करेगी? इसीलिए तो मैं तुझसे इस कंपनी के बारे में इतना कुछ पूछ रही हूँ, पता चले तेरी तनख्वाह ही हड़प कर जाए। बाबा से कहिए कि वो टेंशन ना ले, उनसे कहें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं आप लोगों के फजूल सवालात की वजह से ये नौकरी गवाना नहीं चाहती। और अब आप लोग मुझे सोने दीजिए क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। ओके, गुड नाइट।